क्या वो ये समझेंगे कि इतनी दुनिया की मैं गाली खा के खड़ी हूं, किसके लिए खड़ी हूं? मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं घूमूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है मुझे, मैं कुछ नहीं करती। अभी मेरे माइंड में एक बात आई, मैं अपनी बेटियों के लिए कर तो रही हूँ, कल को वक्त आएगा, क्योंकि मैंने ऐसा ही देखा है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, मैं करती हूँ वो मुझे डिच कर दिया जाता है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं किसी के लिए कुछ भी करूँ, मेरे पति हो, मेरा दोस्त हो, कोई भी इंसान हो, जिसके लिए मैं कुछ भी करूँ, मेरे को डिच ही मिला है, हर मोड़ पे ही मुझे डिच मिला। मैं ये सोच रही थी कि मैं अपनी बच्चों के लिए कर तो रही हूँ, क्या वो मुझे समझ पाएंगी? और नहीं भी समझ पाएंगी तो वो मुझे छोड़ देंगे। क्योंकि अभी तो उनकी लालन पालन है, तुम मैं कर रही हूँ, कल को मेरा शरीर दुखेगा तो उनकी बारी होगी, तब वो मेरा करेंगी या नहीं करेंगी, करे नहीं करे मुझे छोड़ देंगी, चली जाएंगी। बाप के पास चली जाएंगी मुझे छोड़ के। मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से अपनी सारी इच्छाओं को मार के, अपने सारे सपनों को मार के उनके लिए जी रही हूं। मेरे पर्सनल कोई भी सपने नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, मैं कुछ नहीं करती, मैं अपने लिए कुछ नहीं। मेरे दिमाग में ये रहता है कि मैं घूमूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर बनाना है मुझे, मैं कुछ नहीं करती। पर इन सब का फायदा मुझे तब मिलेगा ना जब वो मेरा भी ध्यान रखेंगी। मैं अपने बच्चों पे बहुत विश्वास करती हूँ, बात पैसे की नहीं होगी, बात साथ की होगी, बात साथ की होगी, क्या वो मेरा साथ देंगे, क्या वो मुझे समझ जाएंगे, क्या वो ये समझेंगे कि इतनी दुनिया की मैं गाली खा के खड़ी हूं, किसके लिए खड़ी हूं? वो बड़ी होके मेरे ही साथ रहेंगी? तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनसे मैं घिरी रहती हूँ। क्या मेरे बाद उनका ध्यान रखने के लिए कोई लायक बंदा मुझे मिल जाएगा? जो उनका ध्यान रख सके। मैं कब तक जीऊंगी? ऐसे बहुत सारे सवालों से मैं हमेशा घिरी रहती हूँ। आज मेरी बड़ी बेटी 10th क्लास में हो गई है, 12th करते ही मैं उसको अपनी लाइन में लेके आऊंगी, मेरा यही सपना है। और वो
पहले मना करती थी पर अभी वो कह रही है वो आएगी। अभी तो बच्चा 12th करेगा, उसका माइंड और डाइवर्ट हो, मैं उसको प्रेशर तो नहीं कर सकती हूँ। तो वो समझ जाएगी, नहीं समझेगी, मेरा साथ देगी नहीं देगी, अब छोड़ के चली जाएगी। वैसे तो एक पल एक टाइम पे तो सबको ही जाना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती वो मेरे जैसी ज़िंदगी जिए। मैं यही चाहती हूँ कि अगर उनकी ज़िंदगी में भी कोई कष्ट हो, कोई तकलीफ़ हो, तो मेरी भगवान एक काम करे, वो मुझे ही दे दे, उनमें कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए। आप लोग दुआ करना मेरी बेटियाँ कामयाब हो, एक अच्छा जीवन साथी उनको मिल सके। प्लीज दुआ करना मेरी बच्चों के लिए। ये वीडियो मैं यहाँ बना रही हूँ पर मैं उनको बोल नहीं पाती, इसलिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ। क्या पता कल को वो ये वीडियो देख ले और वो मुझे समझ जाए कि हमारी मम्मी तो हमसे प्यार करती है। मैं उनको बोलती भी हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं अब तुमसे प्यार करती हूँ, पर मेरी इमेज ही ऐसी बना रखी है कि जय माता दी। अपना ध्यान रखें, मैं दिल से आप लोगों के लिए दुआ कर रही हूँ और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें। देखो भगवान भी ना बड़ा कमाल गेम खेलता है इंसानों के साथ। एक ही प्रॉब्लम है मुझे कि मुझे प्यार चाहिए, एक ही कमी है। वो कभी बनी रहेगी हमेशा, क्योंकि मैं तो नहीं जाऊंगी कहीं पे भी अपने बच्चों को छोड़ के, कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं अपने बच्चों के लिए जी रही हूँ, भगवान के पास ही जाऊंगी तो जाऊंगी और कहीं नहीं जाऊंगी। जय माता।